हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप स्किनकेयर फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ब्लेंडर आपको कैसे यूज करना है। ये जो छोटा सा ब्लेंडर है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है मेकअप में। ये आपका मेकअप बना भी सकता है और ये आपका मेकअप बिगाड़ भी सकता है। तो बहुत जरूरी है इसको सही तरीके से यूज करना, ताकि आपको इसके रियल एडवांटेजेस मिले। क्योंकि अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करोगे तो आपका पूरा मेकअप ये खराब कर सकता है। सब लोग बोलते हैं कि ब्लेंडर से ब्लेंड करते ही मेकअप फ्लॉलेस होता है, नेचुरल दिखता है, बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इसको ठीक से प्रेप करना है। तो कैसे यूज करना है आज मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि मैम ब्लेंडर कैसे यूज करे, और बहुत सारे ये भी कॉमेंट्स आते हैं कि मैम हमारा जो मेकअप है वो सेपरेट होता है, क्रैक होता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो सबके लिए बहुत हद तक ब्लेंडर इम्पॉर्टेंट। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ब्लेंडर को कैसे यूज करना है, तो आज के वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में सिखाऊंगी कि ब्लेंडर को कैसे यूज करना है। क्योंकि मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी कि हाँ आप डैम्प यूज करो, तो कितना डैम्प होना चाहिए, कैसे डैम्प होना चाहिए, कैसे उसको यूज करना है, ये जब तो आपको पता नहीं ना चलेगा तो तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, राइट? तो इसलिए मैं आज आपको करके दिखाऊंगी कैसे आपको यूज करना है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप लोग अमेजिंग फ्लॉलेस मेकअप कर सको खुद के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज मुझे प्रतिभासालियनब्यूटी27@gmail.com पे ईमेल करना। 13 जुलाई से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाऊंगी गाइज, और आपके पर्सनली क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी। रोज हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे और रोज मैं आप लोगों के क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी। तो अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज मुझे प्रतिभासालियनब्यूटी27@gmail.com पे ईमेल कर। हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ब्लेंडर कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आपका जो ब्लेंडर है वो ऐसे छोटा होगा, तो अभी आप देख सकते हो ये ब्लेंडर मेरा ड्राई है, तो एकदम छोटू सा है, ठीक है। ये जो ब्लेंडर मैं यूज कर रही हूँ ये शीन से लिया है मैंने, ठीक है, शीन का है ये, बट ये अभी लिया मैंने। बट इससे पहले मैं जो ब्लेंडर यूज कर रही थी वो रियल टेक्निक्स का था। अगर आप लोगों को रियल टेक्निक्स का नहीं मिल रहा है इंडिया में, तो आप लोग प्रो इफेक्ट्स का यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मैक्स टच का यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा है। ब्यूटीलिशियस का यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा है। पैक का यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों को अफोर्डेबल बता दिए। अभी गाइस ये जो ब्यूटी ब्लेंडर्स है ये नॉर्मल अमेजोन पे भी मिलते हैं। ब्लेंडर था वो बहुत ज्यादा थिक था, हार्ड था वो, तो जब भी मैं उसको पानी में डिप करती थी, यूज करती थी ना, तब भी वो सॉफ्ट नहीं होता था। तो हमेशा अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि आपका ब्लेंडर अच्छा है या नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो हमेशा देखो कि पानी में उसको सोक करने के बाद, उसको अच्छे से पानी में गीला करने के बाद अगर वो सॉफ्ट हो रहा है ना, तो मतलब वो अच्छे क्वालिटी का ब्लेंडर है। बट अगर वो हार्ड ही रह रहा है ना, तो मतलब वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है। आप लोगों को आपका ब्लेंडर चेंज करना होगा, ओके। तो ये एक्चुअली एक मेकअप स्पॉन्ज ही होता है। ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो ओरिजिनल एक ब्रांड है जिन्होंने ब्यूटी ब्लेंडर बनाया। तो अभी हम लोग सारे मेकअप स्पॉन्जेस को ब्यूटी ब्लेंडर ही बोलते हैं। तो अभी ये जो है ये अभी ड्राई है, तभी ये हार्ड ही लगेगा आपको। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे आपको यूज करना है। तो अभी मैंने पानी लिया है एक बोल में, तो आप लोग इसको टैप के नीचे भी पकड़ सकते, नीचे पकड़ोगे तो भी अच्छे से पानी ले लेगा। हमेशा वैसे ही यूज करती हूँ, बट आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बोल लिया है, उसमें थोड़ा पानी लिया है। और आपको क्या करना है ना, इसको अभी इसमें अच्छे से ऐसे डिप करना है। तो अभी डिप करने के बाद आप देख रहे हो ना कि वो कैसे ऐसे ऊपर ही है, ऊपर ही है, राइट, ऊपर ही है। बट अभी आपको क्या करना है, बस ऐसे छोड़ के ऐसे ऐसे आप सिर्फ डिप करोगे ना, ऐसे डिप करोगे तो काफी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं गया है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करते हुए इसको अंदर इसके ऐसे 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 आपको करना है। क्या करना है आपको, इसको अच्छे से देखो ऐसे ऐसे प्रेस करते रहो, ऐसे पानी के अंदर भी आपको क्या करना है, इसको ऐसे प्रेस करते रहना है पानी के अंदर भी। तो जब भी आप इसको ऐसे प्रेस करते हुए धोओगे ना, तो आपको थोड़ा आवाज भी आएगा और तभी वो अच्छे से उसमें पानी अभी ले रहा है। तो ऐसे ही उसको प्रेस करते रहो, आपको दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से। तो बाहर निकाल रही हूँ, वापस मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, पानी के अंदर भी इसको प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि आप प्रेस करोगे तभी वो उसके अंदर पानी जा रहा है अभी। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंदर, ब्लेंडर के अंदर पानी जाना चाहिए। तो जैसे जैसे पानी जाएगा ना इसके अंदर, तो वैसे वैसे वो फूलेगा। तो आपने देखा ये पहले कितना छोटा था, और अभी देखो कितना सा कितना बड़ा हो गया है, ओके। तो एकदम छोटू सा था और अभी एकदम ऐसे डबल हो गया है साइज। तो ऐसे ही करना है आपको, इसके अंदर आपको अच्छे से इसको डालना है, प्रेस करना है, ताकि इसके अंदर पानी जाए,
और आप पूरा आपका मेकअप ब्लेंडर से कर सकते हो। आज हम लोग वो देखेंगे पूरा, मैं आपको मेकअप करके दिखाऊंगी ब्लेंडर से ही। और तो अभी ये हो गया है, अभी बाहर निकालने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छे से अभी प्रेस कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद अच्छे से इसको दबाना है, ठीक है, जितना हो सकता है उतना अच्छे से इसको दबाइए। और दबाने के बाद आपको अभी लग रहा होगा ना कि हाँ अभी पानी गया, मैं इसको यूज कर सकती हूँ, बट गाइज नहीं लेना है, भी लिया है अभी, आप देख सकते हो ये बड़ा हो गया है साइज में भी अच्छा खासा। अब इसको प्रेस करोगे ना तो देखो फिर भी अभी भी पानी गिर रहा है, राइट, तो पूरा इसका पानी निकलना चाहिए। अभी गीला रहेगा और आपने यूज किया तो क्या होगा, ये गीला है आपने यूज किया तो आपका फाउंडेशन जो है आप लगाओगे ना वो फटेगा, सेपरेट होगा। और आप लोग मुझे पूछते हैं ना मैम नाक पे सेपरेट हो जाता है, यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, तो उसका वही रीजन होता है कि आइदर आपका ब्लेंडर गीला है या तो आपने जब स्किन प्रेप किया, मॉइस्चराइजर लगाया या जो भी सीरम लगाया तो आपने उसको ड्राई होने के लिए टाइम नहीं दिया है, ड्राई नहीं हुआ वो और उसके ऊपर ही आपने फाउंडेशन लगा दिया है तो सेपरेट हो रहा है। ओके, तो हमेशा याद रखना कितना भी प्रेस करोगे ना तो भी पूरा पानी नहीं निकलता है गाइस, देखो अभी भी आ ही रहा है थोड़ा थोड़ा पानी, राइट, तो कितना भी आप प्रेस करोगे तो भी पूरा पानी नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, टॉवल लेना है। तो अभी मैंने टॉवल नहीं लिया, मैंने किचन टॉवल लिया है जो पानी सोखता है, तो नॉर्मल टिश्यू पेपर नहीं है ये गाइस, ये किचन टॉवल है जो पानी सोखता है। तो आप लोग नॉर्मल अपने पास जो भी कॉटन का टॉवल है जो भी है वो लीजिए और उसमें ये ब्लेंडर को ऐसे रखिए और रखने के बाद इसको ऐसे प्रेस कीजिए, ओके, अच्छे से। तो जब भी आप ऐसे करोगे ना तभी वो उसका जो वेटनेस है ना वो पूरा पानी छोड़ेगा और वो एकदम डैम्प हो जाएगा। तो आप लोगों को एक्चुअली वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ड्राई ही होता है, गीला नहीं होता है बट एकदम से सूखा भी नहीं होता है, ऐसा आपको चाहिए होता है आपका ब्लेंडर। ओके, ये ब्लेंडर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि ये ब्लेंडर आपका मेकअप बना सकता है, ये ब्लेंडर आपका मेकअप बिगाड़ भी सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सही तरीके से यूज करना। या तो फिर आप अगर इसको सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो आपका मेकअप कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा, फ्लॉलेस नहीं दिखेगा, हमेशा आपको लगेगा कि आपसे गलती हुई है कुछ, तो बट आपकी गलती नहीं है, ब्लेंडर की गलती है। तो आप लोग इसको अच्छे से, तो अभी देखो मैंने टिश्यू पेपर में लिया, इसको अच्छे से रैप किया और इसको अच्छे से दबाया, तो अभी इसने पानी पूरा इसमें निकाल दिया, देखो अभी पूरा अच्छा खासा वेट हो गया है। मैं और एक टिश्यू पेपर ले रही हूँ, और एक टिश्यू पेपर, ये ड्राई पेपर है मेरा किचन टॉवल, इसमें अभी अच्छे से इसको प्रेस कर रही हूँ। और अभी देखोगे आप तो अभी कुछ भी पानी नहीं निकला है, ओके, थोड़ा बहुत निकला है, दैट्स ओके, ओके, इतना सा ही निकला है तो दैट इज ओके, इतना चलता है। ओके, तो अभी देखो अभी एकदम थोड़ा सा निकला है, राइट, तो उतना ठीक है। तो ऐसे आपको इसको यूज करना है, जितना हो सकता है उतना इसको प्रेस करके इसका पानी पूरा निकाल लीजिए और तभी वो आपको यूज करने के लिए। और अभी आप देखोगे तो एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो आपको आपका ब्लेंडर चेक करना है कि ऐसे करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी एकदम सॉफ्ट हो गया है ना, स्पॉन्जी हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, तो मतलब आपका ब्लेंडर अच्छा है। वॉश करने के बाद, ये करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हार्ड है आपका ब्लेंडर, ऐसे दबाने से अच्छे से सॉफ्टली दब नहीं रहा है ना, तो फिर मतलब आपका ब्लेंडर अच्छा क्वालिटी का नहीं है। ओके, तो मैंने जो भी आप लोगों को ब्रांड्स बोले, मैक्स टच, ब्यूटीलिशियस, प्रो इफेक्ट्स, पैक, इनके ब्लेंडर्स अच्छे हैं, आप लोग यूज कर सकते हो और अफोर्डेबल भी है। जस्ट गोल्ड का भी अच्छा है गाइस, बताऊंगी कि कैसे आपको यूज करना है ब्लेंडर। तो अभी ये फाउंडेशन है, मैंने थोड़ा सा प्राइमर लगाया है, प्राइमर मैंने प्रो इफेक्ट्स का प्राइमर लगाया है। बाद अभी मैं ये एक फाउंडेशन ले रही हूँ, मेकअप फॉर एवर का HD फाउंडेशन है इन शेड Y335। मेरे पास ऐसा प्लेट है तो आप लोग ये वाला यूज कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग हाथ के पीछे भी ले सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। और फिर आप लोगों को इसको अच्छे से हाथ के पीछे थोड़ा सा ऐसे लगा लीजिए, ताकि क्या है ना वो एक ही जगह पे नहीं रहेगा, थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाएगा और हाथ की जो गर्मी है ना वो अच्छे से इसको ब्लेंड करता है, तो वो बहुत अच्छा फिनिश भी देता है। और उसके बाद आपको आपका ब्लेंडर लेना है, ब्लेंडर लेके आपको इसको अच्छे से अभी इसमें ऐसे 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 करके इसको लेना है। अभी देखो कितना फाउंडेशन है मेरे हाथ में, बट मैं पूरा अपने ब्लेंडर में नहीं ले रही हूं, मैंने सिर्फ ये कोने का बफ ऐसे प्रेस किया है, थोड़ा सा ब्लेंडर इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस किया, जितना जितना चाहिए ना उतना ही लेना है, पूरे ब्लेंडर को इसमें नहीं डिप करना है एक ही बार में, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए, यहां पे लेना है। और क्या करती हूँ, सबसे पहले अपने यहां से स्टार्ट करती हूँ, तो ऐसे लगाती हूं मैं,
एक ही डिरेक्शन में लगाई है। अगर आपने अभी यहां से आपका स्टार्ट किया है छीक से लगाना, तो आपको वहां का पूरा भी एक कंप्लीट ये पार्ट कर लीजिए। ऐसे मत करना कि यहां पे लगाया फिर यहां पे आ गए फिर यहां पे आ गए फिर यहां पे आ गए, ऐसे नहीं करना है। एक ही फ्लो में जाना चाहिए। तो अभी मैं अंदर से बाहर जा रही हूं, यहां से ले रही हूं, यहां पे बाहर जा रही हूं, बाहर 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 ये हो गया एक। अभी मैं क्या करूंगी, थोड़ा नोज पे आके यहां पे वापस थोड़ा ब्लेंडर में उठा रही हूं फाउंडेशन को, ऐसे आपको उठाना है और अंदर से बाहर। ओके देखो ऐसे, और देखो ऐसे बफ करना है, बफ बफ मतलब बहुत ज्यादा दूर से भी ऐसे नहीं मैं ब्लेंड कर रही हूं, यहां पे ही है। 1 2 3 ऐसे 1 2 1 2 1 2 ऐसे, यहां पे नजदीक नजदीक ही रहना है आपको। वो ब्लेंडर आपके फेस के नजदीक ही रहेगा, थोड़ा सा उठेगा वापस ब्लेंड करेगा ऐसे। ओके ऐसे करना है आपको, ऐसे ब्लेंड, और फिर अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। अभी फोरहेड, आप लोग फोरहेड से भी स्टार्ट करके नीचे आ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, पर मेरा हाथ अभी ऐसे बैठ गया है तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो आपको जैसे करना है आप लोग कर सकते हो। आप लोग ऐसे यू नो ऐसे लेना है अभी वापस जो भी है, और फिर आप लोग ऐसे फोरहेड से भी ऐसे आ सकते हो। बस एक ही डिरेक्शन में आपको रहना है। जब भी आप लोग कलरिंग करते हो गाइज, कुछ भी आप लोग पेंट करते हो, कलर करते हो, तो आप लोग कैसे करते हो, एक ही डिरेक्शन में कलरिंग करते हो, राइट? ऐसे 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 स्क्रिबल करोगे, थोड़ा इधर करोगे, थोड़ा उधर करोगे, थोड़ा सब जगह पे करोगे, तो अच्छा नहीं दिखता है, राइट? तो वैसे ही होता है मेकअप में भी, फाउंडेशन लगाते वक्त भी आपको हमेशा एक ही डिरेक्शन फॉलो करना है, तभी वो अच्छे से ब्लेंड होगा। ओके तभी आपको वो फ्लॉलेस इफेक्ट देगा। वापस आपका ब्लेंडर लीजिए, थोड़ा सा मैं प्रेस करती हूँ इसको, ऐसे 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 लेती हूँ। तो अभी इसमें आ गया है अच्छे से, और फिर इसको अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी। अभी मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम डबल लेयर मतलब क्या, डबल कवरेज मतलब क्या। अभी मैंने एक लेयर लगा लिया है फाउंडेशन का, बट इसके बाद अगर मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा कवरेज चाहिए, तो लिक्विड फाउंडेशन में कैसे होते हैं, मीडियम टू हाई कवरेज होता है। तो अगर आप एक लेयर लगा रहे हो तो आपको मीडियम कवरेज मिल रहा है, अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आपको दो लेयर्स लगाने। तो अभी एक हो गया पूरा, पूरा मैंने फेस कवर कर लिया है। अब मेरे को दूसरा लगाना है, तो मैं वापस थोड़ा फाउंडेशन लूंगी, और जैसे मैंने पहली बार लगाया था ना वो ले रही हूं, और वैसे ही उसके ऊपर अभी वापस दूसरा लेयर लगा रही हूं। तो ऐसे आपको लगाना है। तो आई होप अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे आपको लगाना है फाउंडेशन। मैंने आज कुछ करेक्शन वगैरह किया नहीं है, और मैंने फाउंडेशन भी HD लगाया है, तो मेरे जो भी मार्क्स है ना वो नहीं छुपा सकता है, क्योंकि HD में जो होते हैं वो पार्टिकल्स बहुत ही माइक्रो और बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं गाइस, दाग को नहीं छुपा सकता, बट आपके फेस को बहुत ही नेचुरल फ्लॉलेस दिखाता है। तो ये हो गया है गाइस फाउंडेशन कैसे लगाना है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कंसीलर भी लगा के दिखाती हूँ। तो कंसीलर के लिए भी क्या किया मैंने, टार्ट का कंसीलर लिया है, टार्ट का कंसीलर लेके यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपको ज्यादा लगाना है ज्यादा लगाइए, जैसे ऐसे डायमंड शेप का ब्लेंडर लेना आप लोग जब भी लेते हो गाइस, बहुत ही राउंड मत ले लेना, क्योंकि फिर वो कंसीलर सब ब्लेंड करने को, कॉन्ट्रोल सब करने में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। तो ऐसे थोड़ा डायमंड शेप का ब्लेंडर लेना, पैक का अच्छा है। अभी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं मैं, कहना यहाँ पे कम एरिया है राइट, तो थोड़ा सा उसको ऐसे पकड़ के ऐसे स्क्वीज करके यहाँ पे ब्लेंड कीजिए। नोज, अभी नोज का भी एरिया छोटा है तो ये एरिया बड़ा है, अगर इससे ऐसे मैंने ब्लेंड किया तो पूरे नोज पे मेरा कंसीलर लग जाएगा, ऐसे नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे जो पतला साइड है ना उसको ऐसे थोड़ा स्क्वीज कीजिए और फिर नोज को ब्लेंड कीजिए। तो ऐसे आपको यूज करना है ब्लेंडर। फिर यहाँ पे एरिया बड़ा है तो यहाँ पे मैं वापस बड़ा एरिया ले रही हूं ब्लेंडर का। तो जैसे जैसे
जहाँ पे आपको ब्लेंड करना है, आपको देखना है कि एरिया आपका छोटा है कि बड़ा है। छोटा है तो छोटा साइड लीजिए ब्लेंडर का, बड़ा एरिया है तो बड़ा साइड लीजिए, और फिर इसको अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए। तो ब्लेंडर सही, उसको वेट करना, सही से उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्लेंडर जैसे मैंने बोला है वैसे उसको वाइप कर, मतलब प्रेस करके एक टॉवल में लेके उसको स्क्वीज आउट करोगे ना, तो आपका ब्लेंडर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया सेम वैसे यूज़ करना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ब्लेंडर से रिलेटेड। गाइज अभी कंसीलर भी ब्लेंड हो गया है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा पाउडर। तो अगर आपको लिक्विड कॉन्टोर करना है, क्रीम कॉन्टोर, तो थोड़ा सा आपको हाथों के पीछे ऐसे लेना है, थोड़ा सा लीजिए। तो ये हाथों के पीछे मैंने लिया है थोड़ा सा। उसके बाद आपको आपका ब्लेंडर लेना है, जो पतला साइड है ना वो लीजिए, इसमें ऐसे इसको प्रेस कीजिए। जहां पे आपको लगाना है वहां पे लगा के इसको ब्लेंड कीजिए। ओके ऐसे। तो आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको करना है। नोज के यहाँ पे मैं डायरेक्टली यही लगाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा फिंगर से ही इसको ब्लेंड करती हूँ। पाउडर भी अगर आपके पास पाउडर पफ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ब्लेंडर से लगा सकते हो। बड़ा साइज है ना, बड़ा साइड है, वहां से पाउडर को लीजिए और फिर आपको ऊपर देखना है, स्ट्रेच करना है फेस को और लगाना है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पाउडर भी लगाना है। तो आप लोग पूरा आपका मेकअप ब्लेंडर से ही कर सकते हो। जहां आपने कॉन्टूर किया है उसके नीचे थोड़ा सा ऐसे कट भी कर सकते हो। मैं आपको ब्लश दिखाऊंगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा आईब्रो और आई मेकअप करके जल्दी से आपके सामने आती हूँ, ठीक है। तो गाइज अभी लिपस्टिक भी लगा के हो गया है, अभी हम लोग ब्लश देखेंगे कैसे लगाना है। तो ब्लश के लिए मैंने ये मूज ब्लश लिया है। ब्लश के लिए आप लोग ब्लश का ऐसे ब्रश यूज कर सकते हो या तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल आप लोग यूज कर सकते हो। तो मैंने ये शी ग्लैम शीन का ये ब्लश है मेरे पास मूज, आप लोग पाउडर ब्लश यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास है आप लोग यूज करो, बस आपको टेक्निक सीखना है। तो हमेशा याद रखिए कि ब्लश लगाते हुए आपको दो चीजें देखनी है, आपके एप्पल ऑफ चीक्स कहाँ पे, आपका टेम्पल ऑफ चीक्स कहाँ पे है। तो एप्पल ऑफ चीक्स तो मतलब जब भी आप हंसते हो और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपके एप्पल ऑफ चीक्स होते हैं, और यहां से ऊपर यहाँ पे और ये जो दोनों यहाँ पे मिल रहा है ना, ये जो पार्ट है ये आपका टेम्पल ऑफ चीक्स होता है। तो आपका ब्लश हमेशा एप्पल ऑफ चीक्स से लेके यहाँ पे ऊपर टेम्पल ऑफ चीक्स में ब्लेंड होना चाहिए। तो कैसे करना है, अगर आपको ये नहीं पता कि ब्लश कहाँ से आपको लगाना है, तो स्ट्रेट देखिए मिरर में और आपके आंखों का जो आईबॉल है वो जहां पे स्टार्ट हो रहा है उसके पीछे, मतलब यहां से लेके एप्पल ऑफ चीक्स पे लगाइए और ऊपर टेम्पल ऑफ चीक्स में ब्लेंड कीजिए। मैं ये जो मूज ब्रश है मेरे पास शीन का है ये, तो वो लगा रही हूं। तो आंखों के यहाँ पे एप्पल ऑफ चीक्स से ऊपर टेम्पल ऑफ चीक्स तक ऐसे आपको लगाना है। वापस यहां पे भी ऐसे टेक्निक से जब आप ब्लश लगाते हो तो आपके जो चीक्स है वो लिफ्टेड लगते हैं और काफी अच्छा दिखता है। तो अभी आप लोग ब्लेंडर यूज कर सकते हो इसको, तो अभी आपने ब्लश तो लगा लिया है, अभी आप लोग ब्लेंडर यूज कर सकते हो या तो फिर आप लोग ब्लश ब्रश यूज कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। पहले तो आप फिंगर ले सकते हो और दो फिंगर से भी आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। या तो फिर आपका अपना ब्लेंडर ले सकते हो और इससे भी ऐसे थोड़ा सा स्माइल कीजिए, ऐसे ब्लेंड कर सकते हो, बस आपको ऊपर लेके जाना है। अगर आपका फेस बहुत ही ज्यादा लंबा है, ऑब्लॉन्ग फेस है, तो आप लोगों को ऐसे ऊपर नहीं जाना है, आप लोगों को ऐसे साइड में जाना होगा। तो अगर आपको नहीं पता आपके फेस शेप के हिसाब से आपको कैसे ब्लश लगाना है, तो आप लोग मेरा वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है, पूरा प्लेलिस्ट वो चेक कर सकते हो जिससे आपको कैसे लगाना है ब्लश, कौन से फेस शेप पे, वो बहुत अच्छे से पता चलेगा।
तो गाइस अभी अब देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है और बहुत ही अच्छा चीक्स भी एकदम लिफ्टेड लग रहा है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया है। और अगर ब्रश यूज करना चाहिए, मेरा बीएच कॉस्मेटिक्स का ब्रश है, आप लोग कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो, आपको बस ऐसे इसको ब्लेंड करना है ऊपर की तरफ। तो आपके पास लिक्विड ब्रश है, मूज ब्लश है, लिक्विड ब्लश है, कोई भी ब्लश हो गाइस, आपको ऐसे ही लगाना है। आंखों के पीछे यहां से ऊपर जाना है, तो 1 2 3 वापस यहां पे रखना है, 1 2 3। तो आई होप अभी ये ब्लश आपको कैसे लगाना है ये पता चल गया होगा। अभी अगर आपको पाउडर ब्लश लगाना है तो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये मेरे पास इमेजिक का ये पाउडर ब्लश का पैलेट है, उसमें से मैं ये पीच कलर ले रही हूं। तो मैंने ये ब्रश में अपना पीच कलर का एक ब्लश लिया है। थोड़ा सा स्माइल कीजिए और इसको ऐसे ही आपको लगाना है, 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे आपको जाना है। और जो भी थोड़ा बहुत है वो आपको ऐसे नोज के यहाँ पे लगाना है, ठीक है? यहाँ पे मत लगाइए, वो अच्छा नहीं दिखता है। यहाँ पे लगा सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। साइड से भी देखोगे तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा, बहुत ही अच्छा लिफ्टेड भी लगता है, बहुत ही प्यारा दिखता है। ब्लेंडर से उसको वापस थोड़ा सा ब्लेंड भी कर सकते हो अगर ज्यादा लग रहा है आपको तो। तो गाइज आपको अभी ब्लश कैसे लगाना है ये अच्छे से पता चल गया, मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया है। तो गाइज ये रहा मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको अच्छा लगा आज का वीडियो और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है गाइज ब्लेंडर कैसे यूज करना है ये सीखना। तो आज आई होप आपको सब कुछ पता चल गया होगा, जो भी आपके क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए होंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइज चैनल को, प्लीज लाइक करना वीडियो को। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय एंड टेक केयर।